सोच रहे थे हमने तो सीधा सीधा रखा, सस्पेंस बन गया। स्टार्टिंग में देख रहे फंदे से लटकने जा रहे हैं पर निकला कुछ हो, बस वही होता है सर, कुछ होता है। सर इस फिल्म के कलाकार के बारे में दो लाइन कुछ बताइए। हाँ, इस फिल्म में हमारे साथ पुनीत है, शीना चौहान है और संदीप शर्मा है, दे आर वेरी गुड एक्टर। शीना इज शूटिंग इन अमेरिका राइट नाउ, पुनीत अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुंच पाया, संदीप इज शूटिंग समवेयर, बट डायरेक्टर सुविंदर राज घोष जी ने बहुत अच्छा काम किया मेरी फिल्म में। उनके हाथ में जब सब्जेक्ट दिया तो ही वॉज थिंकिंग फॉर वन वीक कि इसको मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने कहा ये कहानी है, ये मेरी सोच है, इसको आप कैसे बनाएंगे आप बता दीजिए। एंड बेसिकली ये फिल्म जो अमर प्रेम है, एक मैंने बहुत साल पहले अनुपम अमोल पालेकर जी की फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था शायद मेरी बीवी की शादी। उनको भी ऐसे ही होता है, गलत फहमी हो जाती है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी पत्नी के लिए अच्छा दुल्हा ढूंढ रहे होते हैं कि कौन मेरी पत्नी को अच्छे से रखेगा। लेकिन फाइनली मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा कॉमेडी फिल्म कि भाई उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, एंड उस टाइम दुल्हों की लाइन लग जाती है, इट वॉज लाइक दैट। तो उसको थोड़ा सा हमने इस एंगल पर ला के फिल्म बनाया, एंड थैंक्स टू दादा सुविंदर राज घोष हु हैज डन अ मार्वेलस जॉब ऑन दिस फिल्म। विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर। इस तरह के मूवी, इस तरह का मैसेज आप लोगों ने जरिए कोशिश की, आई होप कि आपका मैसेज हर घर घर तक पहुंचे। इस तरह कॉन्सेप्ट, इस तरह की स्टोरी किस तरह आपने लोगों ने सोचा बनाना चाहिए? पहली बार भारत में ऐसी जागरूकता के पीछे बहुत कम बनती है, WWW वर्ल्ड विदाउट वाटर, इनके प्रोड्यूसर और हमारे बड़े एक्टर है पूरे, इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इनका चेहरा पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, एक मैसेज जो आज गया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके पूरी दुनिया में, वर्ल्ड विदाउट वाटर, लोग सोचते नहीं है। लोग पिक्चरें बना रहे, अरबों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, लेकिन कोई बड़ा प्रोड्यूसर ये सोचता नहीं है कि मैं एक जागरूकता के लिए पिक्चर बनाऊँ एक टीम के साथ। अभी इन्होंने बोला इनकी पिक्चर कहीं गई हुई है, तो कैसा होता है कि ये प्लेटफॉर्म आना जरूरी है प्रोड्यूसर जो होते हैं और जो बड़े इनके एक्टर है जो आके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पानी के ऊपर। 2070 दूर है, लेकिन हमारे बच्चे जो आएंगे उनके तो फ्यूचर देखना है ना, हम तो निकल जाएंगे सभी, लेकिन उनका फ्यूचर का क्या? ये पिक्चर ने वो दिखाया, आने वाली जनरेशन जो है वो दिखाया उनको बचाना कैसा है। तो मैं पूरी टीम को, खासकर इनके एक्टर और मनोज पांडे जी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं AICTW का प्रेसिडेंट हूँ, पूरी दुनिया में हमारे यूनियन का नाम है और मैं अपने माध्यम से पूरी दुनिया में इसको पहुँचाऊंगा और सारी वर्ल्ड में जितनी यूनियन है मेरे साथ टाई अप है, यूनिसेफ में भी हम लोग एफिलिएट है AICTW। तो ये मैं खुद अपनी पर्सनली तरीके से मैं पूरे भारत में पहुंचाऊंगा इसको। क्या बात है। और आपको फिर से बधाई देता हूं, कोई प्रोड्यूसर इंडस्ट्री का जितना बड़ा नाम ले लो आप, कोई सोचता नहीं जागरूकता लिए, सिर्फ 200-500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ बनाना लेकिन ये वर्ल्ड विदाउट वाटर इतना अच्छा सेंटेंस और ये आप लोगों ने डायलॉग जो रखा उधर, मतलब इस पिक्चर में कुछ जो डायलॉग थे ना जो बैठे हुए उधर, वो रोंगटा खड़ा कर दिए कि अब क्या, अब क्या। मैं सच्ची तारीफ कर रहा हूँ, ये शॉर्ट फिल्म मैंने बहुत देखी, कब सोचो कब उठ के भागो, लेकिन जब ये देखा वर्ल्ड विदाउट वाटर, मतलब भूमिका जो वर्ड्स थे और इनके जो बोलने का, तो इनका जो डायलॉग था वर्डिंग्स वर्ल्ड विदाउट वाटर का, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर से मैं धन्यवाद दूंगा और आपकी पिक्चर में बोल रहा हूँ, ये भारत भी देखेगा और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री आपको बुला के सत्कार करेगी और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री आपको हाईजेक करेगी, देख लेना। सर हम आपसे बात करें, पानी में इसमें आपको वारी वर्तन जो पेड़ के पेड़ बचाओ भी आप लोगों इसमें मैसेज डाला है, पानी ने एक साथ अपने कई सारे मैसेज दिए आप लोगों ने, तो आप क्या कहना चाहता हूँ, कितनी सारे प्यार मिल रहे हैं आपको और क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? सर हम यही बताना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से कि लोग समझें इसकी कैसी कैसी जरूरतें हैं, अभी भी वक्त है, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमने कोशिश कर दी है, हमने इनको दिखाने की कोशिश, आगे भी हम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। ये हमारी क्रिएटिव टीम का हेड है आशीष, और यही इसी की खुराफात होती है, सब करता रहता है। आशीष सर पहले से बहुत अच्छा है, what made you write for this film and you know what was the thought behind coming up with such a concept? कई सालों से ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था कि पानी की समस्याएं बार बार आ रही थी सामने, मुझे पता नहीं था कि इतनी गंभीर समस्या है। जब मैंने इसकी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू की तो पता चला कि ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है, पूरी धरती पर पीने के लिए केवल 1% पानी है, ये बहुत सोचने लायक बात है। जनसंख्या 800 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, 8 अरब के ऊपर जा चुकी है, 800 करोड़ के लिए ऐसी बढ़ती रही तो पानी खत्म हो जाएगा, और हम जिस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं हमें सोचते नहीं कि पानी खत्म होने वाला है, इतना इजीली वेस्ट कर देते हैं। तो अभी वो सोचने का समय कब का आ चुका था, हमने उसको बस अंडरलाइन करने की कोशिश की है, और अंडरलाइन करने के लिए फिर कुछ स्ट्रांग तरीके से करें
इसलिए ये अप्रोच लिया कि अगर फ्यूचर में ये स्थिति आ गई तो क्या होगा। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे अगले जनरेशन जो है उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। अगर 8 अरब लोग इस दुनिया में है, हर आदमी जिंदगी में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए ना तो भी 800 करोड़ पेड़ हो जाएंगे। पानी की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि पानी की हम केयर नहीं कर रहे हैं, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं और समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। मतलब आज हाल ही की न्यूज है, केप टाउन इज अनाउंस्ड एज जीरो वाटर सिटी। झारखंड की न्यूज पड़ी मैंने, 3 लोगों का मर्डर हो गया पीने के पानी के लिए। ये अभी की स्थिति है, लेटेस्ट बैंगलोर में हुआ, लेटेस्ट बैंगलोर में तो ये पता चला कि मॉल के बाहर लोग खड़े थे वॉशरूम यूज करने के लिए। तो अगर भारत में और हमारे आसपास ही चीजें अब हो रही है, हमारे घर तक पहुंच रही है, तो ये सोचना जरूरी है सबको। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें अगर हम अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। हेमंत सर, वी सीन द फिल्म, यू परफॉर्म रियली वेल, मुझे बताइए ये फिल्म में काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, हम ये पहली ऐसी आई थिंक काफी दिनों बाद आपकी मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है। जनरली आप पॉपुलर हो कमर्शियल रोल्स के लिए, तो हाउ डज इट फील? देखिए, एज एन एक्टर मैंने भी पहले भी बताया कि हम तरह तरह की फिल्मों में काम करते हैं और अभी भी मैं वेलकम टू द जंगल में कर रहा हूँ, हॉन्टेड 2 कर रहा हूँ। लेकिन मनोज भाई का और आशीष जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्या होता है, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका बदले में कुछ लौटाना होता है। तो जो मुझे इंडस्ट्री ने आज दिया है उसके बदले में लौटाने के वाली ये फिल्म है कि मैं भी कुछ समाज के लिए अच्छा कर जा रहा हूँ, एक बढ़िया फिल्म का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। ऐसी फिल्म, अभी मैं बोल ही रहा था कि कोई भी फिल्म का एक जोनर होता है, बच्चों की फिल्म होती है, कॉमेडी फिल्म होती है, एडल्ट फिल्म होती है, हॉरर फिल्म होती है, मर्डर मिस्ट्री होती है, थ्रिलर होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसकी एक रीच होती है, उसका एक लिमिट होती है। लेकिन वर्ल्ड विदाउट वाटर फिल्म की कोई रीच नहीं है, इसके 8 अरब लोग दुनिया में हैं, तो उन 8 अरब लोगों का ये सब्जेक्ट है। मुझे खुशी इस बात की है कि मनोज जी और आशीष जी की वजह से इस टीम का हिस्सा बन पाया। हमारी टेक्निकल टीम से भी आप मिले जिन्होंने रात रात भर उसमें स्पेशल इफेक्ट्स में काम किया, और ये वाकई एक अपनी तरफ से कुछ देने वाली बात है समाज के लिए। और जब से मैंने पिक्चर करी, शूटिंग करी, तो उसके बाद से 2 बार कुल्ला के बजाय आदमी 1 बार कुल्ले में भी काम चला लेता है और उससे ही करोड़ों लीटर पानी बच जाएगा। और कोई आदमी इस पिक्चर के बाद पानी बचाएगा कि नहीं बचाएगा, लेकिन उसको जरूर लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ, पानी में वेस्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, ये संदेश उसके मन मस्तिष्क में जाएगा। हमें खुशी है कि इतने बड़े कॉज का हम हिस्सा बन पाए। पूरी टीम को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। मनोज सर, ये फिल्म देखने को कहाँ मिलेगी हमें? बहुत जल्दी किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। फिलहाल तो हम कांस में जा रहे हैं, ओके, तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NABC की प्लेटफॉर्म से हमारी फिल्म की लॉन्चिंग हो रही है एंड वी विल बी होस्टिंग अ डिनर कॉकटेल अलोंग विद देम। ये हमारे लिए वाकई बड़ी खुशी की बात है कि ये फिल्म को कांस में लोग देखेंगे और उसका हम हिस्सा है, तो ये हम सबके लिए बड़ी बात है, पूरी टीम के लिए। मैंने इसीलिए आज दिखा दिया, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कांस, और बाकी हेमंत जी जल्दी ज्वाइन करेंगे मेरे को कांस में। हमारे डायरेक्टर सुनील जी भी हैं, दीपक जी आइए। बेसिकली ये सवाल था कि फिल्म कहाँ जा रही है। हमने तो देखा, आपने देखा ये संकट पानी का कहाँ तक है, कहाँ तक आ पहुँचा, अपने गले तक आज पहुँचा है। लेकिन ये संदेशा हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को शुरू से ही उनके गले उतारना है। तो ये फिल्म हमने ऐसे सोचा कि हर स्कूल में, महाराष्ट्र है, हर स्टेट है, पूरे देश भर स्कूल के साथ हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये जो नौबत ये पानी बचाने की, वो जो हमारे जो वॉरियर्स हैं आगे, जो आगे की पीढ़ी है, उनके यहाँ तक पहुँच जाए, तो शुरू से ही उनको पानी की अहमियत पता चलेगी। जिस तरह से वाटर बॉटल में पानी ले जाते हैं, आपने देखा हो कई बार ऐसे कि वाटर बॉटल जो बचा हुआ पानी घर ले आते हैं या फेंक देते हैं, तो हर बूंद की वाटर की कीमत। तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट बनाया कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जहाँ जहाँ ऑफिस हो वहाँ पे हम ये पूरा कांस होने के बाद, उसके बाद हम यहाँ पूरा देश भर इसका और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जैसे हम पानी पीते हैं तो पूरा ग्लास, किसी भी होटल में जाते तो पूरा ग्लास भर के पानी आता है हमारे, 2 घूंट पी के हम छोड़ देते हैं, कई बार 2 घूंट बच जाते हैं, कई बार 2 घूंट पी के ही छोड़ देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है, इस माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे हम कटिंग चाय पीते हैं ना, वैसे हम कटिंग पानी ऑर्डर करें, 2 घूंट पानी पीजिए, ज़रूरत फिर से लीजिए,
पूरा ग्लास भर के पानी लेना बंद कर दीजिए, पानी बचेगा, बहुत पानी बचेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट टू से थ्रू दिस। सर एक लास्ट सवाल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप जब पिक्चर दिखाया आपने, कितने सपोर्ट, क्या क्या मतलब होता है ना कहीं जगह आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? ही यस कर दिया था मेरी फिल्म। थोड़ी मेहनत तो लगती है गवर्नमेंट तक पहुंचने में, उस दरवाजे तक पहुंचने में, लेकिन जैसे उन्होंने फिल्म देखा उन्होंने कहा यू आर अ पार्ट ऑफ आवर पवेलियन। दे आर, वो लोग भारत दिवस मना रहे हैं, हम लोग फ्रांस में उसी दिन हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। क्या बात है। मनोज सर, एज अ डायरेक्टर हेमंत सर और राजेंद्र जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वो आज इस इवेंट में मिसिंग है। राजेंद्र जी तो वो शूट पे हैं और हेमंत जी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और हमने बहुत पहले भी काम किया था। इनके साथ एक फिल्म की थी मृत्यु, जिसका मैं डायरेक्टर था, और गलती से वो फिल्म भी नेशनल अवार्ड तक पहुँची थी। ठीक है, हम अवार्ड नहीं लाए थे लेकिन हम पहुँचे वहाँ तक जरूर। तो कोशिश ये भी, आशीष, सचिन, मेरी पूरी टीम, दादा खड़े हैं यहाँ पे, और असिस्टेंट्स भी मेरे ऐसे हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं। बनवारी भाई ने देखा उनका? बनवारी भाई ने भी देखा, हमारे बड़े सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं और इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नो डाउट, ये बड़ी टची फिल्म मुझे देखने को मिली। असल में कई शब्द हम बोलते हैं ना, बोलने से उतना असर नहीं होता, क्योंकि पानी बचाओ पानी बचाओ ये कई सालों से चल रहा है और टीवी पे स्लोगन आते हैं, कई प्रोग्राम्स आते हैं, हम देखते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिल्म देखने के बाद हर शख्स के दिमाग में आएगा कि जो अभी भाई साहब ने कहा कि भाई आधा पानी, बहुत अच्छी बात कही और वाकई वही होना चाहिए। हम भी कई बार पानी पीते, गलती तो कई बार हम कर देते हैं कि पानी पिए छोड़ दिए बाकी, और पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा पानी की अहमियत उन्हें मालूम है जो जंगल में बेचारी औरतें जो हैं 2-2 किलोमीटर चल के आती हैं और पानी ले कर सर पर जाती हैं, उन्हें पूछो पानी की वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पानी खुला मिलता वो परवाह नहीं करता। लेकिन मुझे जो जैसे आपने कहा कि स्कूलों में देखा, बहुत अच्छी बात है, ये हर स्कूल में दिखानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो फिल्म जैसे वो शुरू में दिखाते हैं, ऐसा लोगों के ये मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। और ये फिल्म के लिए मैं सलूट करता हूँ जो मनोज जी ने ये थॉट आपके दिमाग में आया, बहुत अच्छी बात है। और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी और हमारे पांडे जी अपने काफ़ी अच्छे मित्र हैं और दोनों कलाकारों ने कमाल का काम किया है। जो ये सपने से उठते हैं वो एक झटका सा लगता है वाकई कि पानी गया हाथ से, तो वो जो चीज़ है, डायरेक्शन बहुत प्यारी थी, थॉट बड़ा अच्छा था, फिल्म बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है ये फिल्म हिट है और अवार्ड लेके आएगी। मनोज सर, दो लाइन अमर प्रेम के बारे में बात करें। यस यस सर, अमर प्रेम इज डायरेक्टेड बाय सुगंधु राज घोष। वो फिल्म भी हमने एक आउट एंड आउट के हिसाब से फिल्म बनाई है। लोग करते हैं फिल्म की कहानी, लव स्टोरी, लव एंगल, ट्राई से करते रहते हैं। हमने इस फिल्म को जंप कट के हिसाब से फिल्म बनाई है, एक सोच के हिसाब से बनाई है कि एक फिल्म ऐसी भी बन सकती है। अमर प्रेम की कहानी आपने देखी, जो हीरो है हमारा वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकता, और जिसके भी हाथ में देना चाहता है तो वो ऐसे के हाथ में देना चाहता है जो उसकी केयर करे। तो वो हम चाहते तो इसको बहुत अलग रूप से दिखा सकते थे, एज यूजुअल फिल्म दिखा सकते थे। हमने जानबूझ के इस फिल्म को ऐसे दिखाया है थोड़ा सा। किसी, बहुत लोगों ने हमसे कहा कि आपने क्या बना दिया, हमारी टीम के ही लोग हैं उन्होंने भी कहा। मैंने कहा देखना ये फिल्म भी उतनी ही पॉपुलर होगी जितनी WWW पॉपुलर।